कहा जाता है जल ही जीवन है, परंतु अगर जल मैला हो तब हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अगर हमें जल से कई प्रकार की बीमारियां होने लगे तो क्या जल ही जीवन है कहना सही रहेगा? इसलिए सिर्फ स्वच्छ जल ही जीवन है कहना सही होगा। जल के कई पैरामीटर्स है जिन्हें चेक करके हम ये निर्णय लेते हैं कि जल शुद्ध है या अशुद्ध है, जैसे जल में घुली ऑक्सीजन, टोटल सस्पेंड सॉलिड, बायो इंडिकेटर्स, नाइट्रेट, पीएच, जल का तापमान। ये कुछ पैरामीटर्स है जो जल की शुद्धता को इंगित करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। स्वच्छ जल में 9.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से लेकर 12 मिलीग्राम प्रति लीटर ऑक्सीजन होता है। इससे कम ऑक्सीजन होने से जलीय जीवों पर हानिकारक असर पड़ता है। टोटल सस्पेंड सॉलिड, जल में घुले 2 माइक्रोन से बड़े कण जैसे बालू, मिट्टी, एल्गी इत्यादि टोटल सस्पेंड सॉलिड में आते हैं। बायो इंडिकेटर कुछ जीव और पादप होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को सूचित करता है, जैसे जल में मौजूद शैवाल की मात्रा, पौधे, प्लैंकटन, माइक्रोब जल की शुद्धता को दर्शाती है। नाइट्रेट, हाई नाइट्रेट लेवल हानिकारक होता है। पीएच लेवल, जल के पीएच में बदलाव आने पर जल की शुद्धता पर असर पड़ता है। जल का तापमान, जल का तापमान भी जल की शुद्धता को सूचित करता है। ये सारे पैरामीटर जल की शुद्धता को सूचित करता है। इसके अलावा फिजिको केमिकल पैरामीटर्स में फ्लूराइड लेवल, आर्सेनिक, सीसा लेवल भी देखा जाता है।